फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों को पंडाल दिखलाने के लिए। यहाँ पे है हुडको में पंडाल बैठाया गया है, गणेश पंडाल। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यहाँ कभी आप पंडाल वीडियो बनाइए करके, तो लीजिए आज से अभी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं पंडाल। सेट से एंट्री है और आज फिर से पानी वानी गिरा है करके माहौल थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं। एंट्री अपन करते हैं तो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं पंडाल पे फोकस करते हैं क्योंकि अभी भीड़ कम है, तो शायद अपने को दर्शन जल्दी मिल पाए, और ये सब चीज़ों को अपन बाद में देखेंगे। हालांकि आप देखते हुए चल ही रहे हैं लेकिन इसको अच्छे से देखेंगे। फिलहाल पंडाल आप देखिए दूर से। तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, जैसे सेक्टर 2 और सेक्टर 10 पे और सेक्टर 1 पे भीड़ था, उस तरह का भीड़ यहाँ पे नहीं है। फिर भी यहाँ मेला भी लगा हुआ है, बट देखते हैं, शायद पानी गिर रहा करके लोग नहीं आए हैं। यह है हुडको का पंडाल जो कि इस तरह से दिखता है, जहाँ आप आके घूम सकते हो और यहाँ का पंडाल का लुत्फ़ उठा सकते हो। अंदर में सुना हूँ कि बहुत अच्छा सजावट किया गया है, बहुत सारे यहाँ पे गणेश भगवान विराजमान है, और यहाँ पे शायद टिकट फ्री है या फिर टिकट सिस्टम है, वो तो आगे चल के पता चलेगा। अब एंट्री करते हैं। टिकट सिस्टम यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं है क्योंकि अगर होता तो मुझे रोका जाता, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो एंट्री अपन कर चुके हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और वहाँ पर यहाँ पे तो बहुत सारे यहाँ पे गणेश विराजमान है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। देख सकते हो पूरे, यानी कि पूरी जहाँ तक अपन नजर जा रहा है वहाँ तक अब गणेश विराजमान है पूरे एरिया में, उस सेक्शन में भी है। देखिए यहाँ पे गणेश बहुत सारे हैं, जहाँ तक अपन नजर जा रहा है वहाँ तक यहाँ पे गणेश बैठाया गया है, और ये तो कुछ भी नहीं है। उस साइड में भी बहुत सारे गणेश बैठाए गए हैं। बाप रे, इतने सारे गणेश मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, और बहुत यूनिक लगा ये मुझे क्योंकि इतने सारे गणेश बैठाना मामूली बात नहीं है, और सजावट भी अच्छी है यहाँ का। तो चलिए अब देखते हैं। ये देखिए, बाप रे, कितने सारे गणेश भाई। ये गणेश भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, और आप सबका भी करें, मेरा भी करें। आप देख रहे हो गिनती ही नहीं है, समझ लो अभी फिलहाल तो इतने सारे गणेश हैं। और एक एक कम लूँगा ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं इस तरह से ले रहा हूँ ताकि आप इजीली सबको आसानी से देख पाएँ। और अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं, ये देखिए अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं यहाँ पे, और कितने सारे गणेश। मैं लाइफ में पहली बार ऐसा होगा कि मैं लाइफ में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। अब बारी है इनसे बड़े गणेश भगवान का, और यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बड़े गणेश भगवान 3 हैं यहाँ पे फिलहाल। तो यहाँ पे झूमर लगा हुआ, पंखे लगे हुए हैं, और बहुत खूबसूरत लगा मुझे, बहुत ज़बरदस्त लगा यहाँ का। और इतने सारे लोग अभी फ़िलहाल हैं, अगर बरसात नहीं होता तो बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ भी इस तरह से बना के रखे हुए हैं, और ये है मूसक, और ये देखिए
स्वागत रहा यहाँ का, और आरती भी मैं सुना और प्रसाद लेने की बारी यहाँ पे प्रसाद तो मैंने प्रसाद भी खा लिया है। और अब बारी है यहाँ का जो दुकानें लगे हुए हैं उसको दिखाने का, उसके बाद ही आपको दिखलाऊंगा यहाँ का झूले जो उस साइड में है झूले वहाँ भी लगा हुआ है देख पा रहे हैं आप। और लेडीज़ लोगों के लिए यहाँ पे वही कान का झुमके और जो भी लेडीज़ का आइटम है सब यहाँ पे अवेलेबल है। और वहाँ पे है रिंग है जो आप बाइक में या घर की चाबी में इजीली लगा सकते हो। और यहाँ लगा हुआ है कुर्ती का दुकान, सलवार सूट कुर्ती ये सब दुकानें यहाँ पे लगे हुए हैं जो महिला लोग खरीद रही यहाँ पे। और यहाँ भी वही सिस्टम है जो मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखलाया हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है खिलौने की दुकान जो कि हर मेला बाज़ार में होता ही है, और फिर से वही आ गया है लेडीज लोगों के लिए। और ये शैम्पू और क्रीम वगैरह है। और यहाँ पे है मोज़े कैप और गॉगल्स वॉच जो लड़के लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे। हर मेले में होता है पान का दुकान, और ये 10 रुपये में बनारसी पान, आइसक्रीम पान, सब स्ट्रॉबेरी पान। और ये हैं गैस चूल्हा और जाली बर्तन, ये सब वैरायटी यहाँ पे है फिलहाल, मिक्सी वगैरह है। ये देखिए कान में लगाने का, तो ये सब एक दाम। और ये 100 पीस घर के लिए। यहाँ पे है बंदूक मारने वाला सिस्टम, और ये है गेम खेलने वाला, ये सब गेम खेलने वाला। इनाम में हम फंसता है है। ये देखिए ये भी वही इनामी वाला है जो वही जो यहाँ पे पैसे लिखे हुए हैं वही मिलेंगे आपको अगर फंस जाता है तो। ये है बॉल गेम, एक बार में अगर सबके सब भीड़ सब जाते हैं तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब गिफ्ट आपको मिलेंगे। सामने है दोस्तों गुपचुप चाट सेंटर, सामने है मथुरा वाराणसी चौमीन सेंटर। यहाँ पे ये घर सजाने का गुलदस्ता बोल सकते हो। ये यहाँ पे देख सकते हो ये सब घर में सजाने के लिए हैं। और ये जो महिला है ये मेरा सब्सक्राइबर हैं जो वहाँ पे सामान देख रही है, उनसे भी बात की। कमाल की बात ये है यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिले थे और उनसे बात करके अच्छा लगा, और मैं अकेला था करके थोड़ा सा नर्वस हो गया था, और वो वीडियो अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। नाम वाम तो मैं नहीं पूछ पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा शर्माता हूँ, वो तो वीडियो जैसे तैसे बन जाता मेरे से। तो चलिए अब चलते हैं मेले की तरफ। ये है फ्रेंड्स जूती सेक्शन, यहाँ पे आप इजीली ले सकते हो। और यहाँ पे है टेडी बियर, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है झूला जो कि बच्चों का है ये। और यहाँ भी लगा हुआ मथुरा चाट भेल सेंटर, तो चलिए अब देखते हैं। ये देखिए झूला, इसको तो आप जानते होंगे ये कौन सा झूला ये, और सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में ही आता है और यही सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। और इसका प्राइस है 40 रुपये यानी कि 40 रुपीज़। ये है ब्रेक डांस जो कि ये भी 40 रुपये में है पर व्यक्ति का, 40 रुपये। और यहाँ पे ये छुप छुप गाड़ी जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं बस। पानी गिर जाने की वजह से ना माहौल थोड़ा सा ठंडा हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है गणेश पंडाल में, ख़ास तौर पे भिलाई में गणेश पंडाल बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और ये देखिए झूला सेक्शन है पूरा, ये सब झूल रहे मज़े कर रहे, जितने भी लोग आए हैं सब अपने अपने में व्यस्त हैं। और ये देखिए लाइटिंग बहुत खूबसूरत किया गया, और बस इतना ही है। ये देखिए इतने लोग आए हुए हैं और गीला तो आप देख ही रहे हो, ज़मीन पूरे गीले हुए हैं। फ्रेंड्स ये बच्चे लोगों के लिए है, ये 30 रुपीज़ में एक बच्चे का, चलो कम से कम बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ पंडाल तो मैंने देखा दिया आप लोगों को, और
का मार्केट भी दिखाया हूँ और यहाँ का मेला भी दिखलाया हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पे। और बहुत यहाँ पे अच्छा लगा है मुझे आके। यहाँ पे फिलहाल पानी की वजह से कीचड़ काचड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट सेक्टर 1 से कम है। सेक्टर 1 पे बहुत ज़्यादा था। तो सब्सक्राइब कर देना यार और लाइक कर देना।